नमस्कार दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर करेंगे साबूदाने के पराठे की रेसिपी। सावन का महीना चल रहा है और शंकर भगवान के भक्त सावन माह में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते हैं। आपको बता दें कि साबूदाना में फाइबर की अच्छी मात्रा मौजूद होती है। इसके सेवन से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है। दोस्तों, आपने साबूदाने की खीर और खिचड़ी बहुत खाई होगी, एक बार ट्राई कीजिए ये हेल्दी और टेस्टी साबूदाने के पराठे। साबूदाने के पराठे बनाने के लिए ये सामग्री आपको चाहिए होगी, इसे नोट कर लीजिए। आधा कप भीगा हुआ साबूदाना और आधा कप ही मूंगफली का पाउडर, दो उबले हुए आलू, एक चम्मच घी, देसी घी क्योंकि व्रत के पराठे देसी घी में ही बनते हैं, और अपने स्वाद के अनुसार सेंधा नमक ले लें, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आप चाहें तो मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद के हिसाब से, और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, इसे भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस प्रकार से बनेंगे साबूदाने के पराठे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा बाउल ले लें, फिर आप इसमें साबूदाना डालें, मूंगफली का पाउडर, आलू, धनिया पत्ता, हरी मिर्च और नमक डालें। इसके बाद आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर इसका बैटर तैयार करें। बैटर अच्छी तरह से जब तैयार हो जाए, फिर आप अपने हाथों में थोड़ा सा घी अच्छी तरह से ग्रीस कर लें, लगा लें काजे से घी, जिसमें हाथों में ये बैटर चिपके नहीं। इसके बाद आप तैयार बैटर का पराठा बना लें। आप चाहें तो हथेलियों की मदद से पराठा बनाएं, या फिर आप इसे अपने चकला बेलन की सहायता से घी लगाकर चकला बेलन पर इसे बेल सकते हैं, या हाथ से ही इसे चौकी पर बढ़ा के पराठा तैयार कर लें। जब आपका पराठा तैयार हो जाए तो एक पैन को गैस पर चढ़ाएं और पैन में देसी घी लगा लें चम्मच की सहायता से पूरे पैन में, और आंच को मध्यम ही रखें। फिर घी लगे पैन पर पराठा डालकर उसे दोनों तरफ से पका लें कायदे से। देखिए, अब आपका टेस्टी और शानदार फलाहारी साबूदाना पराठा बनकर तैयार हो चुका है। फिर आप अब इसको ठंडी ठंडी दही के साथ सर्व करें, और आप चाहें तो इसे अपनी मनपसंद फलाहारी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, एंजॉय करें आपके टेस्टी पराठा, और मुझे दें इस पोस्ट से इजाज़त। मेरा नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार।